हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हैं आप सब। मैं मनदीप स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनदीप सिक्का में। आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूं हेयर थ्रेडिंग सिस्टम, जानवी कंपनी का है ये। और देखते हैं, आज आपको रिव्यू देती हूं कि ये कैसा काम करता है। ये ऐसे सीजर्स टाइप कुछ प्लास्टिक का प्रोडक्ट है और साथ में ये डिब्बी है छोटी सी, जिसमें कि छोटे छोटे थ्रेड्स दिए गए हैं। हाँ जी, ये डिब्बी है, इसको निकाल के दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये देखिए थ्रेड लटक भी रहा है उसके अंदर से। ये डिब्बी प्रॉपर डिब्बी है, उसका ढक्कन बना हुआ है और उसमें 6 थ्रेड हमें इस साइज़ के दिए गए हैं, जिसके आगे बीट लगे हुए हैं। इस सीजर्स के आगे जो थ्रेड है, ये देखिए, इसको हम उतार के चेंज कर सकते हैं। वैसे इसको यूज़ करते टाइम ये टूटता नहीं, मैं पहले अपर लिप कर चुकी हूँ, टूटता नहीं है। बस आप ये हाइजीन के, ये देखिए मेरी आईब्रो की भी फुल ग्रोथ हो रही है और अपर लिप की भी। इस थ्रेड को जो लगा हुआ है उसको उतारेंगे और ये ऐसे लपेटे हुए हमें 6 थ्रेड रिसीव हुए हैं, इसको हम निकाल देंगे और ये वाला थ्रेड लगा के ट्राई करते हैं। दूसरा निकाल दिया मैंने, ये पीछे स्प्रिंग सा दिया हुआ है उसमें फंसाना है पहले। उसके बाद ये देखिए साइड में 2 कट दिख रहे होंगे, एक बार हम एक साइड उस तरफ और एक साइड इस तरफ, दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों को जैसे हाथों में हम कैंची की तरह धागे को फोल्ड करते हैं आईब्रो बनाते टाइम, वैसे ही 3-4 इसमें फोल्ड देने हैं, जैसे उंगलियों में कर रख के हम फोल्ड करते हैं धागे को, और ऐसे ऑपोजिट साइड लगाना है। अब ये धागा मैंने करने की कोशिश की तो ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था, पहले वाला धागा बिल्कुल सही आया हुआ था। ये देखिए, एक धागा लगाया, 2 लगाया, कितने लगाए, 4 धागे मेरे ऐसे गए और जाके ये एक धागा इसमें लग गया। वो जो मैं आपको दिखा रही थी उसमें आप देख के लगा सकते हैं कि धागा कैसे लगाना है। अब चलिए अपर लिप करते हैं। फटाफट ग्रोथ है लेकिन कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा हैवी वाली ग्रोथ मेरी नहीं होती अपर लिप पे, तो इससे करते हैं पहले। आप क्या करेंगे, ऐसे कर पाएंगे नहीं, जिस साइड हमने करना है उससे ऑपोजिट हाथ में पकड़ेंगे और ये देखिए ऐसे रखेंगे। पहले आप कोई टलकम पाउडर या कोई पाउडर लगा लीजिए, मेरी शक्ल देख के पता लग ही रहा होगा कि पेन हो रही है और हेयर रिमूव हो रहे हैं आसानी से। ये देखिए ऐसे रखा, नीचे टंग लगा के स्किन को स्ट्रेच कर लेना है, उसके बाद ही थ्रेडिंग शुरू करेंगे। बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए इसमें ही मैंने आईब्रो थ्रेडिंग की नहीं वीडियो दे रही हूँ आपको, सिर्फ अपर लिप शेप क्या करना है उसमें अपर लिप को ही थ्रेडिंग करके आपको बता रही हूँ। आईब्रो शेप करने की अगर वीडियो चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट से आईब्रो शेप करके दिखाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और क्या क्या दिक्कतें आएंगी इसके साथ आईब्रो शेप करने में, ऑब्वियसली दिक्कतें और परेशानियां आने ही वाली हैं, क्या क्या आएंगी और क्या क्या नहीं आएंगी परेशानियां, ये काम करेगा आईब्रो बनाने में या नहीं वो भी बताऊंगी। बिगनर्स बहुत ही ध्यान से करेंगे, पहले इसको आप अपने हाथ पे, अपनी बाजू पे या फिर अपनी थाई पे चलाने की प्रैक्टिस कीजिए, या फिर किसी दूसरे के हाथ पे इसको चलाइए, उसके बाद ही अपर लिप पे भी करिए। ये देखिए अब इस साइड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को दूसरे हाथ में पकड़ेंगे। राइट हैंड साइड पे करना है तो लेफ्ट हाथ में पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में करना है तो राइट हैंड में पकड़ के ही हम थ्रेडिंग करेंगे। ये देखिए ये रखा और ऑपोजिट साइड के बालों को हम ऐसे खींचते जाएंगे। दर्द हो रही है, थोड़ी सी दर्द तो होती है जैसे थ्रेडिंग करवाते हैं हम पार्लर में तब होती है वैसी। अब बालों को क्लीन करते जाएंगे, अब बीच में से अगर आपको थ्रेडिंग करनी है के नीचे टंग लगाइए और ये देखिए जैसे पार्लर में करवाते हैं सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा स्ट्रेचिंग का, और आप थ्रेड चलाएंगे। ये देखिए वैसे ही कैंची बन जाती है जैसे हाथों में थ्रेड को लपेट के कैंची बनाई जाती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में बस हम इसको चलाते जाएंगे और रिजल्ट आपके सामने होगा। बहुत अच्छे से थ्रेडिंग कर रहा है ये देखिए, जैसे थ्रेडिंग करने में दर्द होता है वैसे थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, आपको फेस एक्सप्रेशन से पता चल ही रहा होगा कि बाल खींच रहे हैं। अब आप उसके बाद अपर लाइन किसको कहते हैं, जो लिप लाइन होती है हमारी, बिल्कुल लिप्स की आउट लाइन, उस पर जो बाल होते हैं उसको बहुत ही केयरफुली करेंगे। ये देखिए ये अब मैं लिप लाइन कर रही हूँ, पहले आप सारे हेयर रिमूव कर लीजिए थ्रेडिंग से, ऐसे ही थ्रेड से, उसके बाद हम लिप लाइन करेंगे क्लीन। लिप लाइन इसमें मैंने स्पीड में कर दिया वीडियो, नहीं तो बहुत लंबी हो रही थी। ये देखिए लिप लाइन पर रखिए और आराम से चलाइए, फिर लिप लाइन पर रखिए और आराम से चलाइए, बहुत ही धीरे धीरे थ्रेड को चलाते हुए हम अपर लाइन भी क्लीन कर लेंगे। ये लिप लाइन हमारी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, बहुत ही धीरे कर रही हूँ, बस मैं इसकी स्पीड वीडियो भी बढ़ा दिया है ताकि कोई पार्ट मिस ना हो। ये देखिए बीच में जो ये ट्रायंगल सा बना होता है लिप लाइन के ऊपर वी शेप, वहाँ पे भी मैंने कर लिया। अब ये इस साइड लिप लाइन में रह गई हैं एक्स्ट्रा जो भी हमें दिखे बाल, वो भी मैंने रिमूव कर लिया और रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है। तो
तो आप भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं अपर लाइन पे करने के लिए, अगर आईब्रोज शेप करना चाहते हैं आप। और यहाँ पे अपर लाइन मेरे हो गए हैं क्लीन, अब मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे या फिर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अपर लिप मेरे बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अगर आईब्रो बनाने की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। देखिए अभी बहुत ग्रोथ है मेरे, क्या क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप जब कहेंगे तब वीडियो आपके लिए आ जाएगी। तो वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं, हेयर केयर, हेयर डू या मेकअप रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेके आऊँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।